वो पतंग से तुम साल तो कितने की सेल करते हो आप ये? चलो भाई अपने बड़े बड़े हाथों का कमाल दिखाओ। अभी मैं भरवा रहा हूँ डीजल 2000 रुपए का। सबसे मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरी गाड़ी पी गई है। दिल्ली से पूरा अमृतसर अभी पूरा ढंग से घूमा भी नहीं हूँ। कितना 2500-3500 और 5000 का डीजल पी गई है भाई। बहुत पीती है यार मेरी सफारी गाड़ी। इतना तुम भी क्या पीते हो गए? सो गाइस, मेरे सामने एक बेहतरीन चीज़ है। मैं गाड़ी से जा रहा था अपनी, तो मैं अभी यहाँ रुका ही दिखाता हूँ आपको, साइड ले चलता हूँ। ओ भाई बिल देखो सारे, और सारे चूहे रहते हैं यहाँ पे भाई। ये देखो कितने सारे चूहे ही चूहे हैं। ओ भाई कितने सारे बिल बने हुए। अभी मैं आऊँ बिट्टू पतंग वाला पे, ये काफी ज्यादा फेमस है। तो ये देखो बाहर इन्होंने पतंग लगा रखी है, तो अंदर जाके दिखाऊंगा क्या है यहाँ की। अगर लोकेशन आपको देख रही हो तो सामने इजी डे है, क्या देख के आ सकते हो। ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या बात है, स्कूल से आ रहे थे? क्या नाम है? मनदीप सिंह। तो स्कूल में देखते हैं बच्चे वीडियो? तो कौन सी क्लास में? क्या बात है यार, मतलब फैला रखा है अमृतसर में भी। तो जैसे कि अभी मेरी पूरी पंजाब सीरीज आ रही है, उसमें पूरा पंजाब कवर करूंगा मैं। तो यार ये पतंग देख रहे हो, हाइट देख रहे हो पतंग की? ओ ऐसा, ओ ऐसे भी लंबी है भाई। तो ये बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी सिद्धू मूसेवाले की पतंगें बनी हुई हैं, मैं दिखाऊंगा। तो ये सारी पतंग है मेरी, वो पतंग सिद्धू मूसेवाले। तो कितने की सेल करते हो आप ये? वैसे अपने शौक में बनाई है जी, ये सेल का कोई मोल नहीं है। वैसे ये बंदा खड़ा कैंट है। क्या बात बोली है भाई ने, दिल खुश कर दिया। तो पतंगे मैं आपको वैरायटी दिखाऊंगा यहाँ पे कैसी है। और यहाँ पे मोस्टली बड़ी बड़ी पतंगे मिलेंगी, जैसे आप ये देख सकते हो, ये भी उससे बड़ी पतंग है। हाइट देखो इसकी, वाओ। तो मैं बता दूं, मैंने दिल्ली में भी ब्लॉग करा है पतंगों का, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो होलसेल मार्केट का। बट यहाँ पे ऐसी इतनी बड़ी पतंग मैंने दिल्ली में नहीं देखी, इतनी वैरायटी नहीं देखी है। तो यहाँ पे पूरा इन्होंने कनाडा का सेक्शन बना रखा है। जो अंकल जी मेरे को बताते हैं, देख रहे हो कनाडा की पतंगें बड़ी बड़ी। और ये वाला डिजाइन मैंने पहली बार देखा है, इस करके मैं आया। तुम्हें पता सारे पंजाबियों को कनाडा ना बड़ा प्यार है। क्या अभी भी जाना चाहते हैं तो सानू वैसे दिल करके। खुद की मैन्युफैक्चरिंग है इनकी? हाँ जी। तो ये सेल करते हो? ये भी शॉप की? ये सेल की। ये कितने की है? ये इसका रेट किसी का 40 है, किसी का 50 है। तो पतंगे आप छत पे देखो, छत पे पूरी पतंगे पतंगे लगा रखी है। तो ये देखो ये वाली पतंग कितनी बड़ी है, व्हाइट वाली। और सबसे ज्यादा यूनिक डिजाइन मेरे को इसका लगा। क्या बात है, सऊदी वाउदी वाला टाइप का डिजाइन है। ये पतंगे गुड्डे वाली? गुड्डे वाली, ये गुड्डे वाली पतंगे। डिजाइन देखो, इतने डिजाइन मैंने कहीं नहीं देखे। और ये दुकान अंदर तक दिखाता हूँ आपको, पूरा पतंगों का सेक्शन। और जितने भी आप डिजाइन देखोगे सारे यूनिक मिलेंगे आपको। जैसे आप ये डिजाइन देख सकते हो व्हाइट में, कितना बड़ा, कितनी बड़ी पतंग है। और क्या व्हाइट कलर का डिजाइन है, ये दिल्ली में मैंने देखी नहीं आज तक, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और सिद्धू मूसे वाले की एक और हैप्पी लोहड़ी वाली, भाई साहब क्या बात है। ये देखो तो भाई, ये जो इतनी बड़ी पतंग होती है उड़ जाती है? हाँ जी, उड़ाते हो तो? हाँ जी। तो यहाँ पे कौन से, जैसे दिल्ली में 15 अगस्त में काफी सारी उड़ते हैं, यहाँ पे कौन से फेस्टिवल उड़ते हैं? इतने तुसी नवंबर दिसंबर लोहड़ी तक, अवल ते सारा साल ही उड़ती रहती है इतने, पर ज्यादा लोहड़ी दे, लोहड़ी दा क्रेज ज्यादा। तो आज 9 तारीख है, 13 तारीख को लोहड़ी है। मैं सोच रहा हूँ लोहड़ी पे कवर करूँ, तो लोहड़ी वाले दिन तो बहुत भीड़ रहती होगी। ये देखो भाई सिद्धू मूसे वाला भाई की कितनी बढ़िया वो लगाई है पतंग। तो इन्होंने नंबर भी छोड़ा हुआ है, तुम्हारा नंबर है मूसे वाला जी का? तो यहाँ शेर लगाए हुए हैं दो, और ये बीच में बुब्बर शेर खड़ा कर दिए इन्होंने। तो चांद सितारे लगाए हुए हैं। तो ये काफी मेहनतों से बनी है पतंग। तो ये तुम्हारे कारीगरों ने बनाई है पतंग? नहीं, हम आप बनाते खुद ही? हाँ जी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग। तो ये भाई खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वैसे भाई इस पतंग को बनने में कितना टाइम लगता है वैसे? इसको 3-4 घंटे लग जाते हैं। 3-4 घंटे कटिंग में, पेस्टिंग में? समय, क्या बात है।
और ये जो ये वाली जो पतंग है ऊपर वाली, इसको कितना टाइम लगता होगा बनने में? इसको भी 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। डिजाइनिंग है ना ये। क्या बात है, डिजाइनिंग तो डिजाइनिंग तो एवन करते हैं भाई हमारे। तो जैसे आपको पता है भाई, बंदा बड़ा यूनिक है और इस पतंग को बनाने में 4 घंटे लगते हैं। तो ये पतंग उस हिसाब से यार महंगी होनी चाहिए, सस्ती नहीं बेचोगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल। कितने की इसका? 500 फिर भी सस्ता ही है क्योंकि ये प्राइसलेस पतंग है ना। प्राइसलेस है, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं बता दूं इनकी छोटी पतंग सस्ती भी बता दूं, ये 80 रुपए दर्जन की पतंग है। ये वाली पतंग आपको मिल जाएंगी 120 रुपए दर्जन की, तो जो कि ठीक है, एवरेज रेट है 120 रुपए दर्जन। ये 180 रुपए दर्जन है, ये देखो ये वाली पतंग। फिनिशिंग काफी अच्छी है इस पतंग की, तो 180 रुपए दर्जन। तो एक पतंग मैं कोशिश करूंगा इनसे ले जाऊं और सिद्धू मूसे वाले भाई के पिंड जाएंगे हम, उनकी मम्मी को गिफ्ट करके आऊं, तो एक पतंग ले जाएंगे ना। ये पतंग का देखो, ये 90 रुपए की एक है। क्या प्रिंट है, क्या डिजाइन है यार, कहाँ से लाते हो भाई इतना बढ़िया बढ़िया सोच सोच के? ये देखो, वाह, 90 रुपए की, सही है, मस्त है। अभी मैं आपको मंजू की सीरीज बताता हूँ। तो मंजे कहाँ से आते हैं भाई आपके यहाँ? ये बरेली तो आते हैं। ओके नाइस। तो काइट्स की इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, मंजे बरेली के हैं, लेकिन मंजे की क्वालिटी A1 है ब्रो। मैं दिखाना तो चाह रहा हूँ, शायद दिख रहे होंगे आपको। बाबा दिख रहा है, दिख रहा है। तो भाई महंगा कैमरा, 3 लाख के ऊपर है। तो ये डोर काफी मोटी है, काफी मोटी है और अच्छी धार है, खेच से आप यूज कर पाओगे इसको। वाह, तो ये चक्री देखो यार, चक्री का डिजाइन कितना बढ़िया है। तो कितने रील की है भाई ये? ये 5 रील की। तो ये 5 रील की, और धागा देखो जरा, कलर देखो, पास आओ, कलर देख रहे हो, ब्राउनिश कॉफी कलर। वाह, तो ये पांडा है मेरे ख्याल से? ये पांडा गोल्ड है। पांडा गोल्ड, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। तो इसकी डोर भी काफी अच्छी है, मोटी है काफी डोर। इससे बड़ी पतंग उड़ जाती थी? बड़ी, इससे दूर से वाले उड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया, स्पेशल उसे करके बनवाई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सो गाइस, मैंने कुछ पतंगे ली है, तो 3 पतंगे ली है। सबसे पहली पतंग तो ये ली है मैंने, क्योंकि बहुत यूनिक है, दिल्ली में मिलती नहीं, कैनेडा। तो ये अपने स्टूडियो में लगाऊंगा ये वाली। तो बाकी ये वाली है सिद्धू मूसे वाला भाई के लिए ले आ रहा हूँ मैं, देख रहे हो, तो उनको गिफ्ट करेंगे, उनके प्रिंट जाऊंगा मैं भी। और ये मैं अपने लिए ले आ रहा हूँ, ये अपने स्टूडियो में लगाऊंगा इस पतंग को मैं, काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को। तो ये दो मैं 3 में ले जा रहा हूँ। सो गाइस, मैं अभी आ गया हूँ रेडी मार्केट क्रिस्टल चौक। ये एक मार्केट है जो खाली रात को लगती है, जिसमें ठेले खूब सारे 50-60 ठेले लगते हैं, अलग अलग वैरायटी का खाना मिलता है। तो राधर देन आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे सारी वैरायटी मिलेगी, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, ये वो। ये मार्केट एरा अंदर, मैंने यही रोड पे गाड़ी लगा दी है। तो जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे रेडिया ही रेडिया है, ये देखो दूर दूर तक पूरा मार्केट, स्टॉल कह सकते हो उसको। तो देखते हैं क्या क्या हम यहाँ पे अच्छा मिलता है और खा सकते हैं। सो गाइस, जितना भी अभी मैं फूड मार्केट घुमाने लाए हैं, मेरे भाई घुमाने लाए हैं, और इनके साथ अभी एक चैलेंज करेंगे। इनका भी चैनल है, किस नाम से? वीर राम गढ़िया। तो ये अमृतसर में ही रहते हैं, भाई को सब्सक्राइब कर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी चैलेंज करेंगे चांप और रुमाली रोटी का, चलो हराएंगे, चलो चलते। फूड चैलेंज होने वाला है। चैलेंज में क्या करना है कि चाम वैसे तो थोड़ी है ना खाई जाएंगी, इसमें हम स्पीड चैलेंज करेंगे। सबसे पहले कौन खाता है? रुमाली रोटी। ठीक है, रुमाली रोटी, और ये दोनों चापे, ये दोनों। हाँ हाँ। और ये क्रिटिकल सिचुएशन होती हुई, जितना काम हो रहा है ना मैंने उतना तो है नहीं। और ये प्रतियोगिता से बाहर, प्रतियोगिता से बाहर। यार अब गिर गया तो आ रही है, प्रतियोगिता से बाहर होते हुए। चलो यार, यार तुम्हें आदत है ना भाई, कोई बात आने की नहीं, आदत नहीं, हम भी इतनी नहीं खाते, हम भी इतनी नहीं खाते, हम भी गेहूं भी खाते हैं। ये ना मैदे की थी, इसलिए क्यों नहीं हो रही थी यार, बहुत ना जैसे बहुत स्टिकी थी। गाइस, आपको इस मार्केट में दिखाता हूँ एक एक करके क्या क्या मिलता है आपको खाने के लिए। खाने की चाप तो मैंने ट्राई कर ली थी, तो अभी बन रहा है डोसा। ये डोसा बहुत फेमस है, तो जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे पूरा डोसे का स्टॉल है, और यहाँ पे बन रही है पाव भाजी। पाव भाजी भी मैंने करी है ऑर्डर। तो ये आ गया हमारा डोसा, तो ये मंगाया हमने पनीर डोसा। ये देखो पनीर की स्टफिंग है पूरी इसमें, ये देख सकते हो पूरा पनीर ही पनीर। मैं अभी डोसा ट्राई कर रहा हूँ, तो पूरा पनीर ही पनीर है, ये देख सकते हो काफी पनीर ही पनीर है। और ट्राई करते हैं कैसा है।
कितने नंबर? मैं 10 में से 9 दूंगा सर, दिल्ली से बढ़िया भाई, जो मेरे घर के आसपास लोकेलिटी में मिलता है। इनफैक्ट जो दिल्ली में सागर रत्न सही बढ़िया है। तो अब ये पाव भाजी इनकी प्याज ज्यादा लो आए भाई, खेल गए हमारे। तो ये पाव भाजी इसके अंदर देखते हैं क्या है, मसाला सा डाला हुआ है? नहीं, लेंस पे लग गया मसाला। ए फुका वो, ए ए फुकना नहीं। अच्छा भाई, ये जो है ना 10, कितने नंबर? टोमेटो का सॉस ज्यादा आ रहा है, सस्ते होंगे ना यार। सूप, सूप तो नहीं है? सही बात है, सूप तो नहीं है। प्याज के दाम बढ़ गए तो फिर थोड़ा टमाटर तो बनता ही है ना, इसीलिए। So guys, अगर आप अमृतसर आते हो तो यहाँ पे एक चीज जरूर ट्राई करने की, वो है फिरनी। ठीक है, फिरनी एक स्वीट डिश में आता है, सही बोला? बिल्कुल सही भाई। तो फिरनी देखते हैं क्या क्या होता है। चावल की स्वीट डिश होती है। अच्छा, तो वो ट्राई करते हैं। अच्छी होती है ये क्या बात है, हमारी है ये भी। तो इधर क्या खाया है? इधर मैं चिकन टिक्का खाया, मशरूम टिक्का। कैसा लगा? तो पचाया नहीं, पेट में रख लिया? नहीं नहीं। तो इस पे ये फॉइल डाली हुई है, सिल्वर फॉइल है ना, टेबल फॉइल। फिर से बढ़िया है, नेक्स्ट लेवल मान सकते हो। इसमें बादाम बादाम है डले हुए। सब्सक्राइब तो कर लो यार, कर लो भी। उसके बाद अरे पहले गोरे भाई ने खाली जोन ही ली डाला। कैसा लगा चैनल? अभी देखा ही नहीं। ये खेल गए भाई, खेल गए। घर जाके देखना है ना, अभी घर जाके रूम पे कुछ करोगे तो है नहीं, यही देख लेना। तो गाइस ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ। मैं जाने से पहले एक चीज़ बताता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँगा, ठीक है, अपने डॉलर के अकाउंट पे। तो डॉलर के अकाउंट को फॉलो कर लेना, यूजर नेम आप ये देख सकते हो डॉलर का, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। मेरे डॉग का इंस्टाग्राम है, इस पे 33,000 फॉलोअर है। इंस्टाग्राम पे चल रहा है गिव अवे, तो मेरे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लेना, यूजर नेम आप ये देख सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी मिल जाएगा। बाकी फन क्लिप्स खानी है तो ये पानी और फन क्लिप्स मुद्दा छुपा के ला। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस बार आप किसको वोट करोगे, बीजेपी को या आपको, केजरीवाल को, ठीक है? तो कमेंट करके बताओ, जिसके ज्यादा कमेंट आएंगे मैं लकी विनर निकालूंगा। वोटिंग अपने चैनल पे ही करता हूं। तो कमेंट करके बताओ कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, आपको, ठीक है। सो गाइस, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है रामगढ़िया के साथ मैं पतंग फाइट करूंगा, तो वो आने वाली है, बहुत स्पेशल वीडियो होगी। तो वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाल कलर का बटन दबा के, और सब्सक्राइब करने के बाद ये घंटा दबाए टंग 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 करके, उससे क्या होगा आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा। Oh, 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 oh